गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और मैंने आपको कल बताया था कि अपने को क्या करना है। तो पहले अपन वहीं चलते हैं जहाँ से अपने को स्टार्ट करना है, और वो है आपका पेज नंबर 44, क्योंकि 43 पे हम ये देख चुके थे कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो किस तरीके से वर्क करता है डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस के लिए। हमने देख लिया था कि कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, आज हमको करना है गिब्स एनर्जी में। हम बात कर रहे हैं कि चेंज इन द वेरिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी गिब्स ऊर्जा में ताप और दाब के साथ परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन गिब्स एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, वेरिएशन कह दो या चेंज कह दो, एक ही बात। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे आएंगे, या हम कहें कि इसमें सारे फॉर्मूले ज़्यादातर वही आएंगे जो अपन कर चुके हैं, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ फॉर्मूले ये ड्राइव करने नहीं बैठोगे, आपको ये फॉर्मूले पहले से पता होने चाहिए। जी, हम जानते हैं कि गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है H-TS, और एच यानी एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है E+PV। ठीक है, तो जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि हम ये एच की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो हो जाएगा E+PV-TS। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर वन, ये बनी अपनी इक्वेशन नंबर वन, इसको हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डी जी, इसका होगा डी ई, और इसका क्या होगा, +PdV-VdP। ठीक है, और इसका क्या होगा, -TdS-SdT। देख लीजिए वही है, डी जी इक्वल टू डी ई +PdV+VdP-TdS-SdT, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हुई। ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हम जानते हैं कि डी ई की वैल्यू होती है DQ-DW। ठीक है, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू है, यहाँ पर अगर हम कहें केवल एक्सपेंशन वर्क किया गया है यानी प्रसार कार्य किया गया है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, PdV। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया PdV, और डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस इज इक्वल टू होता है DQ/T, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TdS। ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास TdS, और डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है PdV। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे तो हमारे पास DE आ जाएगा। ये हो गया DE, DE क्या हो गया, TdS-PdV। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर फोर से जो DE की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर टू में यहाँ पर DE में पुट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, PdV-TdS। ठीक है, ये देखिए, ये हमने पुट कर दी TdS-PdV थी, तो TdS-PdV, और उसके बाद प्लस का PdV है, प्लस का VdP है, माइनस का TdS है, माइनस का SdT है। तो TdS से TdS कट गया, PdV से PdV कट गया, बचा क्या, DG इज इक्वल टू VdP-SdT। ठीक है, सिर्फ इतना बचता है। अब इसमें हम कुछ केस लगाएंगे, जैसे फर्स्ट जो केस है वो है एट कांस्टेंट प्रेशर। आप जानते हैं कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, आइसोबारिक। ठीक है, यानी आइसोबारिक प्रोसेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो DP क्या होगा, जीरो होगा, आप जानते हैं। ठीक है, और DP क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इट मीन्स DG इज इक्वल टू क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 DG इज इक्वल टू आएगा ओनली -SdT। ठीक है, इसका मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ∆G/∆T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू -S। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, एंट्रोपी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ ये शो कर रहा है कि एट आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, कि समदाबी प्रक्रम में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, तो यानी कि ताप बढ़ने पर गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, ये नेगेटिव साइन यहाँ ये शो कर रहा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव साइन हमेशा ये शो करता है कि गिब्स फ्री एनर्जी में क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा कम होती जा रही है, कब, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, एट आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, समदाबी प्रक्रम है, तो समदाबी प्रक्रम में दाब बढ़ाने पर, सॉरी समदाबी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर,
कमरा भी है तो दाब तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ताप बढ़ाने पर गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, ठीक है। और चूंकि गैसों की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, आप जानते हैं ठोस और द्रव से ज़्यादा होती है, इसलिए गैसों की गिब्स ऊर्जा में कमी भी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी गिब्स ऊर्जा में कमी की दर जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, गैसेस के लिए होगी, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड के लिए जो है गिब्स ऊर्जा में कमी की दर उतनी नहीं होगी जितनी किसके लिए होगी, गैस के लिए होगी, ओके। तो ये हुआ फर्स्ट केस, उसको उसी को मैंने जो यहाँ पे हिंदी में या इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है। सेकंड केस जो है वो है कि जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे यानी डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 डी जी इज इक्वल टू क्या आएगा, वी डी पी। फिर से देखें एक बार इक्वेशन 5, अगर आप देखेंगे तो वी डी पी माइनस एस डी टी है, तो डी टी कॉन्स्टेंट, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो डी जी इज इक्वल टू क्या आ गया, वी डी पी, ठीक है। तो डी जी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके वी डी पी, तो ये क्या हो जाएगा, डी जी अपॉन यानी डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी। इसका मतलब क्या है कि ताप, देखिए आयतन क्या होता है, पॉजिटिव है, ठीक है। आयतन एक क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ पर पॉजिटिव ही दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीज करने पर गिब्स एनर्जी में भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी गिब्स एनर्जी का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं कि किसी समतापी प्रक्रम में दाब बढ़ाने पर गिब्स ऊर्जा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और नेचुरल सी का बात है कि गिब्स ऊर्जा के मान में जो वृद्धि हो रही वो भी किस में होगी, गैसों में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। लिक्विड में और सॉलिड में उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ज़्यादा होगी गैसों में, क्योंकि गैसों का आयतन भी सबसे ज़्यादा होता है, गैसों की एंट्रोपी भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गिब्स ऊर्जा के मान में जो वृद्धि होगी वो गैसों के लिए सर्वाधिक होगी, ठीक है। ये चीज़ थी। उसके बाद में हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आदर्श गैस के लिए दाब के साथ गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि वेरिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी विद प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। दाब के साथ जो है गिब्स एनर्जी में परिवर्तन, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 8, अब देखिए मैंने कहा ना कि आपको ये इक्वेशंस कुछ याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि डी जी इज इक्वल टू वी डी पी होता है, अगर आपके पास ये डेरिवेशन आती है तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि डी जी इज इक्वल टू वी डी पी होता है। लेकिन अभी हम जानते हैं कि ये कहाँ से आई है, इक्वेशन नंबर 8, ये देखिए केस नंबर जो सेकेंड था, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर था, ठीक है। डी जी इज इक्वल टू वी डी पी यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी विद प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम वेरिएशन देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसलिए हमने कौन सी लिया, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, जो यहाँ पर बन गई अब अपनी इक्वेशन नंबर 1 यानी डी जी इज इक्वल टू वी डी पी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें दाब में परिवर्तन पी वन से पी टू और गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन जी वन से जी टू होगा, तो समीकरण 1 का इन सीमाओं यानी इन लिमिट्स के बीच में, लिमिट्स कौन सी, प्रेशर के लिए पी वन से पी टू और गिब्स एनर्जी के लिए जी वन से जी टू तक के लिमिट्स के बीच में हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, तो जी वन से जी टू तक डेल्टा डी जी का इंटीग्रेशन हो जाएगा और पी वन से पी टू तक वी डी पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन पी। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, देखिए वैल्यू पुट कर दी है, एन आर टी अपॉन पी डी पी। एन आर टी ये क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे और जी टू माइनस जी वन हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग पी टू अपॉन पी वन, है ना। इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 पी टू अपॉन पी वन, ठीक है। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3, इसको याद रखिएगा क्योंकि अभी इसका हम कंपैरिजन करेंगे हेल्महोल्ट्ज के साथ में यानी डेल्टा ए के साथ में भी, ठीक है, तब भी ये इक्वेशन काम आएगी। और अगर n इक्वल टू 1 मोल है तो आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू होता है, तो वी वन अपॉन वी टू यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, वी वन अपॉन वी टू क्या हो जाएगा, पी टू अपॉन पी वन। तो पी टू अपॉन पी वन की जगह हम क्या रख सकते हैं, वी वन अपॉन वी टू भी रख सकते हैं, ठीक है। यानी पी टू अपॉन पी वन की जगह वैल्यू रखेंगे हम वी वन अपॉन वी टू, तो इक्वेशन ये बन जाएगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 वी वन अपॉन वी टू। इट मीन फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल टू आर टी एल एन वी वन अपॉन वी टू, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इक्वेशन सभी वापस काम आएंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जी ए क्या है, अवस्था फलन है, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 जो है उसकी सहायता से हम गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे कि प्रोसेस उत्क्रमणीय हो या अनुत्क्रमणीय हो, ठीक है। इट मीन्स वी नो दैट द गिब्स एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, सो
चेंज इन गिब्स एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन 3 और 4 वेयर इज द प्रोसेस मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. ओके देन अब हम कर रहे हैं ताप व आयतन के साथ हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा का परिवर्तन, यानी कि वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा का परिवर्तन देख रहे हैं, मैंने कहा था ना पहले हम गिब्स ऊर्जा का परिवर्तन देखेंगे और उसके बाद में हेल्महोल्ट्ज का. तो अब हम हेल्महोल्ट्ज का देखते हैं. हेल्महोल्ट्ज के लिए अब आपको वही है, आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए कि ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस होता है, ये हम जानते हैं. ठीक है, इसका ये कोई अपनी इक्वेशन नंबर वन, और इसका जब अपन अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा डी ई, और पार्शियल है तो इसका हो जाएगा पहले टी कांस्टेंट रहेगा तो एस का होगा, फिर एस कांस्टेंट रहेगा तो टी का होगा. तो पहले क्या होगा टी डी एस, फिर होगा माइनस एस डी टी. ठीक है, तो देखिए ये हो गया डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड. डी ई इज इक्वल टू हम जानते हैं डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू होता है, और अभी आपको याद होगा गिब्स एनर्जी करते वक्त हमने डी क्यू और डी डब्ल्यू दोनों की वैल्यू निकाली थी. डी डब्ल्यू हम जानते हैं क्या है, पी डी वी है. पहले तो हम डी ई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमने ये लिख दिया डी ई की वैल्यू पुट कर दी, तो डी ए इज इक्वल टू हो गया डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी. ठीक है, अब हम जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है टी डी एस, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है पी डी वी. तो पहले डी क्यू की वैल्यू पुट करो टी डी एस, फिर डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करो पी डी वी, और ये आई जाएगा माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी. तो देखिए टी डी एस से टी डी एस कट गया, तो डी ए इज इक्वल टू क्या आया माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी. यहाँ भी हम वही करेंगे, पहले दो केस लेंगे. हमने कहा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, देखिए ये मत भूलिएगा आप हेडिंग, ये हम क्या कर रहे हैं ताप और आयतन के साथ. तो एक बार हम क्या करेंगे ताप को कॉन्स्टेंट करेंगे और एक बार आयतन को. तो पहले हमने आयतन कॉन्स्टेंट किया, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया ये. जब आयतन नियत हो गया तो डी वी इज इक्वल टू हो गया जीरो, और जब डी वी जीरो हो जाएगा तो पी डी वी पूरा जीरो हो जाएगा, तो डी ए इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस एस डी टी. ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एस. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं. अब यहाँ भी वही बात है कि हम जानते हैं एंट्रोपी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बट नेगेटिव साइन शो दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इट मीन्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी हम कह सकते हैं स्थिर आयतन पे, अर्थात जिसको हम कहते हैं सम आयतनी प्रक्रम में ताप बढ़ाने के साथ साथ हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा में कमी आती है. ठीक है, यानी इन आइसोकोरिक प्रोसेस और एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, यानी वर्क फंक्शन भी कह सकते हो या हेल्महोल्ट्ज एनर्जी. मैंने आपको बताया था कि डेल्टा ए को हम वर्क फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के नाम से जानते हैं. तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी या हम कहें वर्क फंक्शन में क्या होती है, कमी आती है कब, ताप बढ़ाने के साथ साथ. ठीक है, तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वर्क फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज एनर्जी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो रही है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी कि समायतनी प्रक्रम में. ठीक है, और आप जानते हैं कि एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, गैसों के लिए. तो यहाँ जो हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा में कमी या जो हम कहें कार्यफलन में जो कमी होगी वो भी सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, गैसों के लिए होगी. ठीक है, देन सेकेंड जो हम रखते हैं वो है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करते हैं. टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो. इट मीन्स फ्रॉम वही इक्वेशन नंबर फाइव, फिर से देखो इक्वेशन नंबर फाइव है पी डी वी और एस डी टी, डी टी जीरो तो ये एस डी टी पूरा जीरो, तो डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी डी वी. ठीक है, ये हो गया आपके माइनस पी डी वी. तो ये हो जाएगा डेल ए अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी. यानी हम ये कह सकते हैं कि एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है यानी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, या फिर हम कह सकते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पर हम कहेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज करने पर वर्क फंक्शन में क्या हो रही है, कमी हो रही है. यानी वर्क फंक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. जैसे हमने कहा एंट्रोपी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती हमेशा, इसीलिए प्रेशर भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. प्रेशर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो, बट नेगेटिव कभी नहीं होगा. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में यानी समतापीय प्रक्रम में आयतन में वृद्धि करने पर कार्यफलन में कमी होती है. यानी इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंक्रीजिंग ऑफ सॉरी इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क फंक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम. या हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज करने पर वर्क फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में कमी आ रही है, या हेल्महोल्ट्ज एनर्जी डिक्रीज हो रही है
कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे या आइसोथर्मल प्रोसेस पे, ठीक है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है यहाँ, ठीक है ना। अब इसी का हम अगर हम कहें जो है ये हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन एट, इक्वेशन आठ से हम ले रहे हैं कि निकाय का आयतन हमने कर लिया वी वन से वी टू और कार्यफलन को हमने ले लिया ए वन से ए टू, तो इन सीमाओं के बीच में हम समीकरण नंबर आठ का भी क्या कर देंगे, समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर रहे हैं इन बिटवीन द लिमिट्स ऑफ वॉल्यूम वी वन टू वी टू एंड लिमिट ऑफ वर्क फंक्शन इज ए वन टू ए टू, ठीक है। तो ए वन से ए टू तक इसका कर दिया और वी वन से वी टू तक इसका कर दिया हमने, ठीक है। और हम जानते हैं आइडियल गैस के लिए पी इजिकल टू एन आर टी अपॉन वी होता है, ये वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो ये हो गया एन आर टी डी वी अपॉन वी, तो ये हो गया ए टू माइनस ए वन इजिकल टू डेल्टा ए इजिकल टू एन आर टी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग वी टू अपॉन वी वन, ठीक है। इसे हम अगर उसमें कन्वर्ट करें क्या बोलते हैं इसको लॉग बेस 10 में, तो वो हो जाएगा डेल्टा ए इजिकल टू 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 वी वन अपॉन वी टू। ये वी वन अपॉन वी टू क्यों हुआ, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन को चेंज किया, इसको पलट देंगे तो नेगेटिव साइन क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी डेल्टा ए इजिकल टू 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 वी वन अपॉन वी टू। अब आप अगर इक्वेशन याद करें सॉरी अभी देखें आप आइडियल गैस, हम जानते हैं आइडियल गैस के लिए पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू होता है इफ़ एन इजिकल टू वन, यानी कि एक मोल गैस के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू वी वन अपॉन वी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी पी टू अपॉन पी वन, यानी हम वी वन अपॉन वी टू की जगह क्या रख सकते हैं पी वन पी टू अपॉन पी वन, तो ये हो गया, ठीक है। यानी डेल्टा ए इजिकल टू एन आर टी नेचुरल लॉग वी वन अपॉन वी टू इजिकल टू एन आर टी नेचुरल लॉग पी टू अपॉन पी वन। अब थोड़ा सा आप बैक चलिए डेल्टा जी के लिए देखिए यही चीज़, अभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब डेल्टा जी के लिए देखें इक्वेशन नंबर फाइव, तो देखिए डेल्टा जी है आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन इजिकल टू आर टी एल एन वी वन अपॉन वी टू, याद रखिएगा यही चीज़। देखिए आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 12 में 12 में बिल्कुल वही चीज़ है, डेल्टा ए इजिकल टू एन आर टी नेचुरल लॉग वी वन अपॉन वी टू इजिकल टू एन आर टी नेचुरल लॉग पी टू अपॉन वी वन, यानी फ्रॉम इक्वेशन फाइव और फ्रॉम इक्वेशन 12 के थ्रू अगर हम देखें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ए, तो डेल्टा जी जो है वो क्या होता है डेल्टा ए के बराबर आता है। ऐसा सिर्फ किसके लिए होता है आइडियल गैस के लिए होता है, ध्यान रखना आइडियल गैस के लिए डेल्टा जी और डेल्टा ए की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, ठीक है। तो दिस रिलेशन इज करेक्ट ओनली फॉर आइडियल गैस। इसके बाद हम देख रहे हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ठीक है। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का मतलब है स्थिर दाब पर ताप के साथ गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, स्थिर दाब पर यानी कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे एनवायरमेंटल प्रोसेस क्या होते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होते हैं, तो इसीलिए हम देख रहे हैं चेंज इन गिब्स एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसके लिए हमको देखनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर सेवन, क्योंकि इक्वेशन नंबर सेवन यही थी चेंज इन गिब्स एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, आपको गिब्स एनर्जी वाले में जाना पड़ेगा और वहाँ पर इक्वेशन नंबर सेवन देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा जो है आपको पेनफुल लगेगा, लेकिन जब नोट्स होंगे सामने तो आपको ईजी लगेगा, अभी हमको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। इक्वेशन नंबर सेवन थी ना, आप देखिए जब केस किए थे हमने कहाँ गए, यहाँ नहीं है, ऊपर और ऊपर यहाँ पर, हाँ ये देखिए ये रही इक्वेशन नंबर सेवन, चेंज इन गिब्स एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस, बस यही चीज़ हमको यहाँ पर लेनी है वापस, ठीक है। तो गिब्स एनर्जी वाली इक्वेशन नंबर जो है से ये हमें लेना है, ये ध्यान रखें आप, और हम आ जाएंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेवन, ये रहा डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस, जिसमें हमने कहा था कि हम जानते हैं एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे यानी कि नियत दाब पर ताप बढ़ाने पर गिब्स ऊर्जा में कमी होती है, यानी इन आइसोबारिक प्रोसेस गिब्स एनर्जी डिक्रीजेज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर या विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ये हमने यहाँ स्टेटमेंट दिया था इसके लिए, है ना। तो गिब्स एनर्जी वाली इक्वेशन नंबर सेवन देखेंगे आप, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपके लिए बन जाएगी इक्वेशन नंबर वन, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये इक्वेशन आपको दी हुई नहीं होगी वहाँ पर, ओके। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो किसी भी सिस्टम के लिए आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस है, स्टेट वन से टू में, स्टेट टू में कन्वर्ट हो रहा है, आइसोथर्मल कर दिया हमने यानी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर रहे हैं, और स्टेट वन से स्टेट टू में कन्वर्ट होता है
तो उसकी गिब्स एनर्जी G1 से G2 और एंट्रोपी S1 से S2 तक चेंज होगी। हमने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस लिया है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में स्टेट वन से स्टेट टू या इनिशियल से फाइनल स्टेट। स्टेट वन से स्टेट टू का मतलब है यहाँ इनिशियल और फाइनल स्टेट से, इनिशियल और फाइनल स्टेट है। रिवर्सिबल सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिवर्सिबल नहीं ले रहे हम, ये रिवर्सिबल सिस्टम है और आइसोथर्मल है, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल स्टेट में अगर कन्वर्ट होता है तो गिब्स एनर्जी में भी चेंज होगा यानी G1 से G2, एंट्रोपी में भी चेंज होगा यानी कि S1 से S2। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने कह दिया आइसोथर्मल है, आई बात समझ में। तो डेल्टा एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। एस की वैल्यू अगर हम देखें तो एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यही तो हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एस इजिकल टू क्या हो गया, S2 माइनस S1। तो हमने लिख लिया डेल्टा एस इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हमने पहले ही बाहर ले लिया क्योंकि एक माइनस तो इसके बाहर आएगा ही आएगा। अब है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस अलग है ध्यान रखना, ये तो कांस्टेंट है माइनस जो बाहर आ जाता है क्योंकि एस इजिकल टू हो जाता है, यहाँ माइनस आता है माइनस डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो इसको हमने दो में कन्वर्ट कर दिया, इनिशियल और फाइनल में, तो माइनस का साइन तो बाहर रहेगा ही रहेगा। ये हो गया डेल्टा जी टू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डेल जी वन अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। टी कॉन्स्टेंट है आपने कहा आइसोथर्मल है, इसलिए यहाँ पर टी वन और टी टू नहीं आएगा। इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, डेल जी टू माइनस जी वन अपॉन डेल टी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी कि डेल्टा एस इजिकल टू क्या आ गया, माइनस डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि डेल्टा जी इजिकल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एस की वैल्यू हम अगर यहाँ पुट कर दें तो डेल्टा जी इजिकल टू क्या होगा, डेल्टा एच प्लस, क्योंकि इसमें क्या था, माइनस था, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल पी सॉरी डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये इक्वेशन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने का, बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। आपको शायद याद पता नहीं होगा लेकिन ग्रेड फर्स्ट के क्वेश्चन में ये ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन पूछी गई थी, है ना, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होती, वहाँ पर ये आंसर था इसका, ठीक है। इसी को हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को ही हम जो है ये देखिए, ये केवल गिब्स के फॉर्म में है ये, ठीक है। इसी को हम हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, वो कैसे, उसके लिए आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इजिकल टू माइनस एस, ठीक है। ये वाली भी जो है आपने इक्वेशन देखी हुई है हेल्महोल्ट्ज़ के अंदर, आप देखें हेल्महोल्ट्ज़ आपन ने अभी किया था, वहाँ पर ये चीज़ आपकी ज़रूर आई होगी, केस नंबर 1 था जो डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इजिकल टू माइनस एस। यहाँ भी हमने कहा था कि एंट्रोपी कभी नेगेटिव नहीं होती, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस, या हम कहें एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन वर्क फंक्शन या वर्क फंक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि कार्यफलन में कमी हो रही है ताप बढ़ने के साथ साथ, ये चीज़ हमने कही थी यहाँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 7। तो यहाँ भी हमने इक्वेशन 7 से ही ये लिया है, लेकिन अब की बार हेल्महोल्ट्ज़ वाली इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ वाली इक्वेशन नंबर 7 से हमने ये चीज़ ली। तो वही बात हो गई कि एंट्रोपी तो एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो एस S2 माइनस S1, हमने वही कहा इनिशियल से फाइनल स्टेट चेंज, ठीक है, और आइसोथर्मल रिवर्सिबल में सेम कंडीशन रखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस रखेंगे, रिवर्सिबल रखेंगे। आइसोथर्मल है इसलिए टी चेंज नहीं होगा, वो टी का टी ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। चेंज क्या क्या होगा, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी यानी वर्क फंक्शन चेंज होगा, इनिशियल के लिए A1, फाइनल के लिए A2, और ये देखिए इनिशियल के लिए A1 है, फाइनल के लिए A2 है, और एंट्रोपी चेंज होगी इनिशियल के लिए S1 और फाइनल के लिए S2। तो एंट्रोपी चेंज यानी डेल्टा एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, और एस इजिकल टू क्या, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो माइनस साइन इधर है तो वो पहले बाहर आएगा, और ये हो जाएगा डेल ए स्क्वायर ए टू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस डेल A1 अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इजिकल टू, नेगेटिव साइन बाहर है ही, और ये क्या हो जाएगा डेल A2 माइनस A1 अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेल्टा एस इजिकल टू क्या हो गया, माइनस डेल डेल्टा ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और डेल्टा ए इजिकल टू हम जानते हैं कि डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। तो डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी डेल्टा ए इजिकल टू डेल्टा ई प्लस टी
और ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ हमने गिब्स एनर्जी की फॉर्म में लिखा था, है ना, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को, और यहाँ हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को लिखा है इन द फॉर्म ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी की फॉर्म में ले लिया। लेकिन हम जानते हैं कि डेल्टा ए इज इक्वल टू वर्क मैक्सिमम भी होता है, इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम में माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू वर्क मैक्सिमम होता है इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम डेल्टा ए की वैल्यू की जगह क्या रख सकते हैं, वर्क मैक्सिमम रख सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये देखिए वही रखा गया है, माइनस वर्क मैक्सिमम, क्योंकि डेल्टा ए की वैल्यू थी तो माइनस साइन ऑलरेडी पहले था, डेल्टा ई माइनस टी डेल वर्क मैक्सिमम अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसको जब इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और फिर पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया है, सॉरी ये डेल्टा ई जब इधर जाएगा तो माइनस का होगा, फिर पूरी इक्वेशन को आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो। देखिए पहले इस आप इसे डेल ई को इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस डेल ई माइनस डब्ल्यू मैक्स यानी वर्क मैक्सिमम, और ये भी है माइनस का, यानी माइनस टी डेल वर्क मैक्सिमम अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी क्या हो जाएगा, डेल ई क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी डेल ई प्लस वर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू टी ब्रैकेट में क्या आएगा, डेल वर्क मैक्सिमम अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये भी एक क्या है, जो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी का एक टाइप है, या हम कह सकते हैं कि एक फॉर्म है। ठीक है, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो आप ध्यान रखिएगा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के हमने यहाँ पे तीन फॉर्म बताई हैं, एक तो इन द फॉर्म ऑफ गिब्स एनर्जी, एक इन द फॉर्म ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, और एक इसका और है इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम वर्क, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम डेल ए इज इक्वल टू वर्क मैक्सिमम। ठीक है, आज इतना ही करेंगे अपन, इसके बाद में कल जो है हम जो है करेंगे अपने उसको क्लॉशियस इनइक्वालिटी, क्लॉशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, वो सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।